बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्लॉग टीवी और मैं हूं वसीम अब्बास। दोस्तों, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, फरजंदे रसूल, मैं जब भी कुरान की तलावत करता हूँ तो शैतान मेरे दिल में ये वसवसे पैदा कर देता है कि मेरे अहलो अयाल और सुनने वाले मेरी तारीफ़ें करें। तो इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया कि अबू मोहम्मद, ऐसी बातें दिल में आना तकब्बर की निशानी है और तकब्बर सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और ऐश शख्स पनाह मांगो शैतान मर्दूद के शर से, और कुरान पढ़ते वक्त म्याना रवि का लिहाज रखो, ना ज़्यादा आवाज़ को पस्त रखो और ना ज़्यादा आवाज़ बुलंद हो, और जब भी कुरान की तलावत करो तो खूबसूरत आवाज़ में करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ना पसंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।